नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अमोल दीपक केड़कर है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, सेक्सोलॉजिस्ट हूँ, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ। मैं अकोला में एज अ साइकेट्रिस्ट प्रैक्टिस करता हूँ। हमारा खुद का हॉस्पिटल है, केड़कर हॉस्पिटल। मैं एक सीरीज़ लेकर आया हूँ जिसमें मैं बच्चों को एम्पावर करता हूँ ताकि वो सक्सेसफुल बने उनके लाइफ में, जो उनको चाहिए वो अचीव कर सके। आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ उसका टाइटल है विजुअलाइजेशन। बहुत लोगों को ये शायद मालूम भी नहीं है, शायद मालूम होगा, लेकिन ये ऐसी एक चीज़ है, ऐसा एक एलिमेंट है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही क्रिटिकल है। विजुअलाइजेशन मतलब हमको जो भी चीज़ चाहिए, हमको जो भी चीज़ अचीव करना है, उसको हमारी आँखों के सामने, आँखें बंद करके दिन दहाड़े हमारे ब्रेन के सामने वो पूरा पिक्चर ड्रॉ करना, उसको इमेजिन करना, और जैसा पिक्चर घूमता है, मूवी घूमती है, वैसा पूरा इमेजिन करना इज विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन हर चीज़ में इस्तेमाल होता है, चाहे वो आप क्रिकेट टीम पकड़ो। क्रिकेट टीम में स्पेशल साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो टीम को विजुअलाइज कराते हैं कि मैं वर्ल्ड कप फाइनल में जाकर एग्जैक्टली मैं कैसा खेल खेलूंगा, कैसी बैटिंग करूंगा, कैसी बॉलिंग करूंगा। हमेशा हर चीज़ में विजुअलाइजेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और वो हमारे पढ़ाई में भी इम्पॉर्टेंट है। अगर हम रोज़ दो बार सुबह शाम आंखें बंद करके हमारे आंखों के सामने, आंखें बंद करके लेकिन आंखों के सामने विजुअलाइज करते हैं हमारा पूरा सक्सेस, तो हम डेफिनेटली सक्सेसफुल हो सकते हैं। हमेशा ऐसा बोलते हैं कि वॉट एवर द माइंड कंसीव्स दैट यू अचीव। जो भी हमारा मन सोचता है, इमेजिन करता है, विजुअलाइज करता है, वो हम अचीव कर सकते हैं। लेकिन विजुअलाइज करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, चित्र ड्रॉ करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है उसको खाली पिक्चर समझते हैं। जितना आप बार 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 पिक्चर से हैमरिंग करेंगे, हमारे ब्रेन को बताएंगे कि मैं सक्सेसफुल हो रहा हूँ, मैं पेपर अच्छे से लिख रहा हूँ, उतना आपका ब्रेन उसका आदि हो जाएगा, और एक्चुअली में, रियलिटी में आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। विजुअलाइजेशन हर चीज़ में आपको सक्सेस दे सकता है, चाहे वो मेंटल बीमारी हो, पढ़ाई हो। फॉर एग्जांपल, मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, तो हमारी जो फील्ड है उसमें हमको डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फोबिया, हर चीज़ में विजुअलाइजेशन अच्छी से उसका रिजल्ट दे सकता है। साथ ही में पढ़ाई में जो एग्ज़ाम टेंशन आता है, एग्ज़ाम फोबिया आता है, मेरे यहाँ बहुत सारे बच्चे आते हैं जो बोलते हैं कि हमको एग्ज़ाम टेंशन है, एग्ज़ाम फोबिया है, तो उनको मैं विजुअलाइजेशन सिखाता हूँ, और विजुअलाइजेशन से उनको बहुत ज़्यादा एडवांटेज या पॉजिटिव नोट मिलती है। नॉर्मल विद्यार्थी भी अगर विजुअलाइजेशन रोज़ प्रैक्टिस करते हैं तो उनके जो मार्क्स है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 5-10% इम्प्रूवमेंट या ग्रोथ होगी। विजुअलाइजेशन करते कैसा है ये मैं आपको लाइव डेमो नहीं बता सकता, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट नोट जरूर बता सकता हूँ। विजुअलाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक आरामदायक स्पेस चाहिए, जहाँ कोई गड़बड़ नहीं हो, शांति हो, रिलैक्स वातावरण हो, पंखा चालू हो, लाइट बंद हो, वहाँ आंखें बंद करके बैठना है सुबह शाम दो बार, और लगभग 5 मिनट विजुअलाइज करना है ऐसी चीज़ें जो हमें चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मेडिकल के लिए तैयारी कर रहा हूँ और मेरा 2 महीने बाद नीट का एंट्रेंस है, तो मैं शांति से बैठूंगा मेरे घर पे और विजुअलाइज करूंगा दिन भर की बातें पूरी, कि मैं सुबह उठकर कितने बजे पढ़ाई करने को बैठता हूँ, मैं कैसे कैसे पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं ट्यूशन में कैसे जवाब दे रहा हूँ, जो भी मैं पढ़ रहा हूँ वो मुझे सब समझ रहा है, मेरी जो मॉक टेस्ट है मैं उसको छुड़ा रहा हूँ, मॉक टेस्ट में मुझे अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं, ऐसा पूरा विजुअलाइजेशन करना इम्पॉर्टेंट है टिल द एंड ऑफ द डे। साथ में ही हमको ये भी विजुअलाइज करना है कि हमारा एग्ज़ाम का दिन आया है, मैं घर से अच्छे से तैयार होकर निकला हूँ, एग्जामिनेशन हॉल में पहुँचा हूँ, एग्ज़ाम पेपर मेरे पास सामने आया, क्वेश्चन पेपर मेरे पास सामने आया, मैंने ध्यान से पेपर को पढ़ा, मैंने आंसर देना शुरू किया, पूरा 3-4 घंटे मैं आराम से धीरे धीरे पेपर छुड़ा रहा हूँ, और अच्छे से पूरा कॉन्सेंट्रेशन से, फोकस से मैंने पेपर छुड़ाया, और मेरा पेपर अच्छा गया और मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा। ऐसी पूरी चीजें हमको धीरे धीरे दिन ब दिन विजुअलाइज करनी है। आपके आंखों के सामने आपने ये सोचना है कि मैं हीरो हूं, और पूरा चित्र आपको उसका निर्माण करना है, इमेजिन करना है, पूरा चित्र का जो वातावरण है, स्पेस है, वो तैयार करनी है।
अगर आप विजुअलाइजेशन रोज करेंगे 2 बार सुबह और शाम को 5-5 मिनट, तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल हो सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया, विजुअलाइजेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली एन नंबर ऑफ प्रोफेशंस में यूज़ होता है, चाहे वो कॉरपोरेट सेक्टर हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो MBA हो, चाहे वो डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, हर जगह विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस होती है। विजुअलाइजेशन हम भी यूज़ करते हैं, हम भी प्रैक्टिस करते हैं, हम भी ये सोचते हैं कि मैं खुद विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करता हूँ, कि मैं पेशेंट के सामने बैठा हूँ, पेशेंट अपनी प्रॉब्लम बता रहा है लेकिन मैं रिलैक्स्ड हूँ, पेशेंट को मैंने अच्छे से ट्रीट किया, ट्रीटमेंट दी और पेशेंट घर पे चले गया। ऐसा जो विजुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है वो है बहुत ही अंडररेटेड, अंडर इम्पॉर्टेंस उसको दिया है लेकिन वो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट। अगर विजुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपको पसंद आता है तो ये वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं जल्द ही और भी वीडियोस लेके आऊँगा। धन्यवाद।